कैसे हैं, खैरियत से हैं? कहाँ से कॉल किया आपने? अल्लाह का एहसान असल भाई, आपके बहुत बड़े चाहने वाले लोग लिया थे। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे, थैंक यू कॉल करने का, बड़ा शुक्रिया। असल भाई आपसे सिर्फ एक बात ये कहनी थी कि आप, मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता था, बहुत ज्यादा परेशान होता था। खुलासा आपने किया था वो सूरह फतह की जो आयत थी, जिसमें ये था कि तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आपने बताया था ना कि वो कुफार के बिहाफ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा था। उसका मतलब उसके अहले बैत अलैहिम सलाम, यगफिर लक मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख्खर व यतिम निअमतहु अलैक, ये सूरह मुबारक फतह के हमने आपके आगे पीछे गुनाह माफ किए जी। उसका वो आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा आपको खुश आबाद और शाद रखे। थैंक यू सर। अरे भाई आप इस वक्त समझ लीजिए कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हकीकी मुसलमान, हकीकी अहले बैत का चाहने वाला था, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी एक उलझन और है, बस उसको सॉल्व कर दीजिए प्लीज। हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, नमाज रोजा बस खाली कर लेते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं। कुरान मजीद में एक सूरह आराफ में 188 नंबर आए थे, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी आपकी दुआ मांगने से रिलेटेड बातें चल रही थी, उस सूरह आराफ अगर आप खोल के पढ़ के समझा देते प्लीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत शायद इस तरह से कह रहा है, सूरह आराफ की 188 नंबर आए थे, सूरतुल आराफ में आया नंबर 188। हाँ उसमें कुछ इस तरह से है कि अगर मैं अपने लिए भी कुछ कर सकता ऐसे करके कुछ है, प्लीज समझा दे। वो आया ये नहीं कह रहा, देखें कि अल्लाह ताला के मदद के बगैर मैं किसी का नफ़ और ज़रर नहीं कर सकता, जो भी मैं नफ़ और ज़रर कर सकता हूँ वो अल्लाह के इज़्ज़त से है, और अल्लाह के फजल के बगैर, अल्लाह की तालीम के, जो अल्लाह ने मुझे इल्म गैब दिया वो अल्लाह की जानिब से, अगर अल्लाह की जानिब से इल्म गैब ना हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अगर मेरे पास अल्लाह वाला इल्म गैब ना होता ना, जो मेरा इल्म गैब है वो अल्लाह की जानिब से नहीं है, शयातीन की वजह से है या किसी और तरीके से है, तो मैं दुनियादार लोगों की तरह काम करता, मैं कभी फकीर और कभी क्या कहते हैं उसको, गरीब आदमी ना होता। मैं आपको दिखा देता हूँ कुरान मजीद में सूरह आराफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا, میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں, نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں, یعنی اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ اگر اس اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کا حول نہ ہو, اللہ کی جانب سے مجھے اگر پاور نہ ملے, میں کسی کو چونٹی کو بھی کچھ نہیں پہنچا سکتا, لیکن اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے میں چاند کو بھی ٹکڑے کر سکتا ہوں. اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے تو میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے, پہاڑی کو انہوں نے چھاک کر کے وہاں سے اونٹی نیا نکالی تھی, اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور بہت سارے جو انہوں نے جابر جب فتح خندق خدا جا رہا تھا تو کسی کے پاس کھانا نہیں تھا, کھانا کسی کے پاس نہیں تھا, تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر پہ وہ بڑا سا پتھر باندھ کے بلہاری مار رہے ہیں, بیل مار رہے ہیں اور کود رہے ہیں. جابر بیچارے کو بڑا ترس آیا, اس نے آ کے چپکے سے کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس, اور دو تین آدمی کو بھی لے کے آئیے, مسلمان تو بہت ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا دیکھو مسلمانوں, جابر نے آج آپ سب کو دعوت دی ہے. جابر بیچارہ تو وہ کہ بھائی اتنے لوگ, میں نے میرے پاس تو تھوڑا سا کھانا تھا گھر میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو, جابر دوڑے گئے اپنے گھر میں, کہ میں گھر والی کو بتا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور انہوں نے سب کو بلایا, سب جتنے مسلمان ہیں وہاں پہ سب بھوکے ہیں بھائی, کھانا کسی کے پاس نہیں ہے, بھوکا آدمی کھانا تو بہت کھاتا ہے, تو کھانا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیا کریں, ہم تھوڑا سا کھانا تھا. اس نے بیوی کو بتایا یہ تھوڑا سا تو گوشت ہے, ہم یہ ان کو, میں نے تو یہ سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تین آدمی, تین چار آدمی کے ساتھ آئیں گے ان کو کھلائیں گے. اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو وہ خود بھی اس کا حل وہ نکالیں گے, غصہ نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بولا کہ گھر میں کیا, جابر نے کہا کہ وہ بکری کی جو ایک ران ہے ہمارے پاس, مجھے یہ یاد پڑتا ہے بکری کا یا دمبے کا کوئی ران ہے, وہ دیکھ میں پک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابھی میں حافظے سے بہت عرض رہا ہوں, شاید اس میں کچھ آگے پیچھے ہو لیکن مفہوم یہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ اپنے دہن مبارک میں رکھا, اس کو گوشت کو چبایا اور دوبارہ اس کو واپس ڈال دیا دیگ میں. اب جابر سے کہا کہ بسم اللہ کرو. مسلمان دستہ دستہ آتے تھے, گروہ گروہ آتے تھے, بیٹھتے تھے, جابر اسی دیگ سے سب کو کھانا رکھتا تھا, سب کے سامنے وہ کھاتے تھے, دوسرا گروہ آتے تھے پھر اسی دیگ سے, یعنی وہ کھانا جو تین چار آدمی کے لیے تھا وہ تو سینکڑوں لوگوں سے کھائے. ہاں اور پھر وہ کھانا, جابر کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ دیگچی بھرا ہی رہا, ہمیشہ میں اس سے کھاتے تھے,
खत्म नहीं होता था वो। फिर ये हुआ कि उन लोगों से कुछ गलती हो गई, फिर उसकी बरकत चली गई। तो अर्ज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो नहीं दिया, अगर अल्लाह ना देता अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर, अल्लाह के हौल के बगैर, अल्लाह की ताकत के बगैर, ला अमलिकु लि नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं किस ना नफा है ना अपने आप को नफा पहुंचा सकता हूँ ना ज़र्रा पहुंचा सकता हूँ। वह इल्ला माशा अल्लाह, मगर मगर ये कि अल्लाह चाहे, उसके फौरन बाद ये भी है अगर ये कि जो अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। वलौ कुंतु अअलमुल ग़ैब लस्तकथरतु मिन الخير وما مسني السوء, अगर मैं गैब को जानता तो क्या होता, तो मैं बहुत माल दौलत जमा करता और मैं कभी फकीर ना होता। इससे क्या मुराद है, यानी अब मेरे पास जो इल्म गैब है, ये इल्म गैब अगर दुनियाई तरीके से होता ना, जो शयातीन जो जादूगर वगैरह करता ना, जिन्नात से शयातीन से जो काले जादू वगैरह से उनके पास कुछ होता है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका तरीकेकार ये नहीं होता कि लोगों की हिदायत करें, वो इसीलिए होता कि पैसे ज्यादा जमा करें। वलौ कुंतु अअलमुल गैब, अगर मैं मेरा इल्म गैब का जो मेरे पास अल्लाह ने जो मुझे इल्म गैब दिया है उसके अलावा उस वो नहीं होता, मेरे पास दुनिया वाले गैब की खबरें देते हैं जादूगर वगैरह, ये होता तो मैं क्या करता, लस्तकथर तो मिनल खैर, मैं बहुत माल जमा करता, दौलत जमा करता, मेरा तवज्जो ये होता मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करूँ। वमा मस्सनी सू, और मैं कभी फकीर ना होता, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरे जहन में भी नहीं है कि मैं दौलत, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस कभी कोई कहता ही नहीं कि वो दौलत के चक्कर में थे, पैसों के चक्कर में थे, उसकी फिक्र में थे वो। हाँ अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, मेरी शान क्या है, मेरी शान सिर्फ यह है कि मैं अल्लाह की जानिब से, मैं अल्लाह की जानिब से डराने के लिए आया हूँ कि मैं खबर देता हूँ कि जन्नत है, जहन्नम है, कब्र है, उसमें क्या क्या अजाब है, उसमें क्या क्या नेमतें हैं, और मैं बिशारत देता हूँ। तो ये बिशारत और इंतजार करना ये खुद इल्म गैब है, गैब की खबर है। मेरे पास इल्म गैब है, मेरे पास अल्लाह की जानिब से, मैं आपको खबर देता हूँ कि पुराने अकवाम के साथ क्या हुआ, मैं आपको डराता हूँ, मैंने उन कौमों को नहीं देखा भाई, कौम लूत के साथ हुआ, कौम हूद के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ, कौम शुएब के साथ हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वो आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत कैसे हुई, मलाका ने सजदा किया नहीं किया, ये सब इल्म गैब है। मरियम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ये सब इल्म गैब है, ठीक है ना। लेकिन ये इल्म गैब, ये सब इंतजार और इबशार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत देते हैं, इंतजार, ये सब का इसका सोर्स कहाँ, इसका सोर्स ना कोई जिन है, न कोई शैतान है, न जादू है, न ये शैतानी तरीके, कोई दुनियाई तरीकेकार, इसका इस इल्म का सोर्स कौन है, अल्लाह ताला, खालिक कौन, खालिक हस्तीन है, इस अपने इस अब्द को इस्तीफा किया है, बर्तरी अता की, उसको अपनी तरफ से हादी बनाया और उसको ये हिदायत दी है। अब उसके पास इन सब चीजों का इल्म जो किसी के पास नहीं है, इनका इल्म भी है और वो बहुत कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह के इज्जत से, किसी मरीज को शफा देना चाहें शफा दे देते हैं, ठीक है ना, बल्कि उनके खा के पास से शफा होती है। मैं आपकी खिदमत में दिखाऊं, ये बुखारी की जो रिवायत है, बुखारी की एक रिवायत है, बुखारी की सारी रिवायत तो अबले कबूल नहीं हो सकती ना, नहीं कबूल नहीं है, लेकिन मैं वो जो लोग बुखारी की सारी को मानते हैं ना उसके लिए, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हुजूर मैं आपकी जब ये जो डिबेट होती है याली मदद से रिलेटेड, उसके ताल्लुक से मैं एक दो लाइन कोई बात अगर कहना चाहूँ तो आपकी इजाजत होगी, बस मैं ये हदीस दिखाऊँ फिर आप कह दें, ठीक है ना, ये हदीस मुझे पढ़ने दो, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जी, बुखारी जवाबदार हया तुरास अरबी, किताब छपी है बेरूत लबनान में सन 2001, सफा नंबर 1045, किताब उत्तेब हदीस नंबर 5745। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रिवायत है, आयशा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज को इस तरह कहते थे मरीजों से, बिस्मिल्लाह तुरबत अर्दना बरीकत बादना, हमारे जमीन की मट्टी, हमारी जमीन की खाक, बरीकत बादना, हम में से किसी भी एक की थूक के साथ, खाक में थूक मिला के, युशफी सकीमना, हमारे बीमार को शफा दे देती है, बेइज्न रब्बिना, हमारे रब के इज्न से, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी वाज़े तौर कि हमारा खाक, हमारे थूक, ये मरीजों के लिए शफा है, ठीक है ना, वो खुद नहीं, उनका थूक और उनका खाक पा मरीजों का शफा। अब बोले क्या कह रहे हैं जी, जी हुजूर मैं आपकी जो याली मदद से रिलेटेड वीडियो देखता हूँ या जो भी आपके लिस्ट में देखता हूँ, तो देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो या जितने भी पैगम्बर इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे हैं, सब बड़े मोजज़ात लेके आए। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आला है सारे नबियों से, क्योंकि रसूल खुदा ने मलकुल को मौला और फाजा अली मौला कह दिया। लेकिन जब छोटे पैगंबरों से छोटे मौजूदात थे या कम मौजूदात थे, उनको देखकर उम्मतें जो हैं मुशरिक हो गई, उनके पास कम पावर थे, मौला अली से कम पावर थे, वो उम्मतें मुशरिक हो गई। जब मौला अली के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़्यादा पावर दी है कि वो मुर्दे को भी जिंदा करते थे, जो जो रसूल खुदा को मौजूदात दिए वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी परवरदिगार ने अता किया, तो जब
दूसरी कौमों, जब दूसरी नबियों की उम्मतें मुशरिक हो गईं, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास तो पावर भी ज्यादा अल्लाह ने दिया है, क्या ज्यादा चांस नहीं है इनके जो चाहने वाले का दावा, चाहने वाले होने का दावा? बहुत सारे लोग बने ना अम्मा ताहरीन अलैहिम सलात व सलाम, देखें वो अल्लाह ने जो हजरत ईसा अलैहि सलाम को जो मौजजात दिए इसलिए नहीं दिए कि लोग उनको देख के उनको कह दें कि अल्लाह या अल्लाह का बेटा है, ठीक है, वो मुर्दा को जिंदा करते थे और वगैरह वगैरह। अल्लाह ने उनको ये मौजजात इसलिए दिए कि लोग उनकी तस्दीक करें, लोग ईमान लाएं, तस्दीक करें कि भाई ये जो कर रहा है ये अल्लाह का, अल्लाह की जानिब से अल्लाह का नुमाइंदा है। अहले बैत अलैहिम सलाम को अल्लाह ने भी आयात ये मौजजात दिए, और हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहि सलाम ने भी लोगों से कह दिया कि भाई मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, तुम मेरी इबादत ना करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक ज़मीन व आसमान है, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका अब्द हूँ, मैं उसका नबी हूँ। अइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम भी यही कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को रब बनाया, अल्लाह बनाया, इस तरह मुसलमानों के इक्तेदाद गाली हो गए, और वो गाली जो है अभी हैं, पहले जमाने में भी थे कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा कहते थे, बहुत सारे गाली हैं, वो खतीब वगैरह हैं, लेकिन वो अपने अकीदे छुपाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक तो गाली है ना, उनको कुछ पता भी नहीं है, एक तो गाली है कि वो खालिक मालिक कहते हैं लेकिन कहते हैं हम अल्लाह नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे गाली ऐसे उलमा हैं कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं कहेंगे, वो प्राइवेट में कहते हैं, हाँ प्राइवेट में कहते हैं, वो ऐसे मलऊन लोग हैं दुनिया, ईरान में वगैरह में ऐसे लोग हैं। हमारे वहाँ इलाहाबाद में, इंडिया में, यूपी में जब मजलिसें पढ़ी जाती हैं तो जो जाकिर हैं वो बताते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ठोकर मारी और कहा कुल बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से उठ गया। और जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं तो कहते हैं उन्होंने कहा कुल बेइज़्निल्लाह, ठोकर मारा कहा मेरी वो मेरे ठोकर से उठ गया। ये कोई रवायत नहीं है, ये पता नहीं, ये ऐसे ही वो खुतबा ऐसे झूठ मूठ बना लेते हैं, कुल बेइज़्निल्लाह कहा, कुल बेइज़्निल्लाह कुछ भी नहीं, कोई एक वो दे दीजिए, कोई एक ऐसा चीज दे दीजिए जिससे की हम लोग गुनाहों से, मतलब इस तरह के गुनाह से बच जाए, कोई एक ऐसी चीज। भाई ये पहली बात है, देखें जो मौलवी इस तरह की बातें वो खुतबा कहता है ना, वो जल्दी से उन्होंने किसी किताब में देखा नहीं है बेइज़्नी वगैरह, वो एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे से सुनकर, वो कोई किताब, कोई हदीस, कोई रवायत नहीं है, तो वो है ही झूठ। तो मुतालबा दलील उनसे करना चाहिए कि दिखाओ कौम बेइज़्नी कहाँ है, किस या किताब में लिखा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, इस्तग़फार करते थे, अमीरुल मोमिनीन सब गिरिया करते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, उनका दुआए कुमैल है हमारे सामने, वो किस तरह अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ करते थे, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रात को सोते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खाना खाते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बीमार होते थे, उनको तलवार लगी वो शहीद हो गए, भाई अल्लाह शहीद नहीं होता, अल्लाह ताला को ना नींद आती है, अल्लाह ताला को ना खाने की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला ना बच्चा होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने माँ के पेट में थे, और सभी कहते हैं ना पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, काबा में पैदा हुआ है, और माँ के पेट में थे तो काबा में पैदा हुआ है ना। अल्लाह ताला का ना माँ है, अल्लाह ताला ना कभी, अल्लाह ताला की पैदाइश हुई है, अल्लाह ताला का ना वालिद है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वालिद है, उनकी वालिदा है, उनके बेटे हैं, ठीक है ना। हाँ वो बच्चा थे एक जमाने में, फिर नौजवान हुए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर बुजुर्ग हो गए, फिर उनकी शहादत हो गई, ठीक है ना। ये मखलूक क्या, ये अल्लाह का एक मखलूक है, उनका क्यास हमसे नहीं है, हम नहीं कहते कि वो बिल्कुल वो एक मामूली आदमी थे, इस तरह तो नहीं कह रहे, लेकिन वो अल्लाह नहीं थे, हाँ अल्लाह नहीं थे। असल में माशाल्लाह से 1400 साल जो अहले बैत का दिफा करने का हक था, अल्लाह की कसम आप वो अदा कर रहे हैं, हम लोग आपके फजाइल पे भी, आपकी बातों पे हम लोग रोने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा बंदा इस दुनिया में भेज दिया जो उस बेकसो मजबूर लोगों का जिन पे इतना जुल्म हुआ, उनकी आप समझ लीजिए कि आप उनका हक अदा कर रहे हैं। मतलब मेरे दोस्त यार हैं, उन्हें 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 मालूम ही नहीं था कि अहले बैत से क्या क्या जुल्म हुए, और रसूल अल्लाह के अपने को दोस्त कहने वाले लोगों पर इस तरह के जुल्म किए हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, थैंक यू सर, वालेकुम अस्सलाम।